हेलो गाइस तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज मैंने सोचा था कि मैं रेस्ट करूंगा बट वही है ये लोग मुझे रेस्ट करने नहीं देंगे ऐसी ऐसी अपडेट्स ऐसी ऐसी पोजिंग वीडियोस आ रही हैं कि बस आई हैड टू मेक अ वीडियो और ये चीज़ ना मुझ पर इतनी अपडेट्स के बाद में आज फर्ज हो गई थी बट एनी कोई बात नहीं आई एम ग्रेटफुल मुझे आप लोगों के लिए आज भी वीडियो बनाने का मौका मिला एंड रियली रियली ग्रेटफुल कि भाई इस तरह से मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं करा था कि मुझे सपोर्ट मिलेगी यूट्यूब चैनल पर बट यू पीपल आर रियली सपोर्टिंग मी अप्रिशिएटिंग मी कॉमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे मैंशन कर रहे हो तो आई एम रियली रियली थैंकफुल बट एनी वेज अगर चलें आज की फर्स्ट अपडेट पे गाइस तो वो है वेजली की एक गेस्ट पोजिंग यस गाइस किसी को भी नहीं पता था ऐसा होने वाला है कि वेजली गेस्ट पोजिंग करते दिखाई देंगे अपनी फिजिक को इस तरह से पूरी तरीके से पोजिंग रूटीन करते हुए प्रेजेंट करेंगे लेकिन गाइज ही फाइट सम क्रेजी शॉर्ट्स ईयर दैट ही इज कमिंग फॉर इट एब्सोल्यूटली क्रेजी ही लुकड आई मीन वर्ड्स इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस इन्होंने इस पीरियड में कर लिया आनो क्लासिक के बाद से द लेक्स आर लुकिंग क्रेजी गाइज मसल मास बहुत ज्यादा एड कर दी गई है आई मीन कॉर्ड्स आर सिग्निफिकेंटली अप एंड ही लुकड मैसिंगर गाइज आई थिंक बहुत ज्यादा बिगर साइड पे लग रहे थे बट फर्स्ट अगर मैं सबसे पहले काइज बात करूं उस चीज की जिसके लिए इनको सबसे ज्यादा डाउन साइड फेस करनी पड़ती थी वो थे इनके लेग्स जबकि इनको फीडबैक मिल चुका था टाइलर मेनियन ने भी बोल दिया था बाकी टेरिकल गिंडी वगैरह सब ने बोल दिया था कि भाई आपके लेग्स आर नॉट अ वीकनेस एनी मोर उसके बाद भी लोग चलो इनको बोलते थे कि लेग्स वीकनेस है बट देन अगेन काइज इन्होंने उस पर वर्क करा एंड लुक एट द रिजल्ट द कॉड्स आर दियर द लेग्स आर लुकिंग मैसिव कहीं से भी ये लेग्स अप डाउन साइज नहीं लग रहा है इवन दे हैव ग्रोन रियली रियली मच द लेग्स आर ऑलरेडी दियर गाइज ही इज ऑलरेडी इंप्रूव्ड इन सेनली इम्प्रूवड एंड कैन यू सी हाउ पीड ही इज कितने ज़्यादा पीड साइड पर लग रहा है मैन दिस इज क्रेजी क्रेजी अपडेट एंड अप गाइज आई टोटली सी यू इन द फाइनल कॉल आउट विथ क्विस् बम स्टेट रमान बहुत ज़्यादा इंप्रूवड है यस गाइज बट अपने वेट कैप के साथ में एंड अपने फ्रेम की लिमिटेशन के साथ में ही इज नॉट एज क्लासिक एज बेजली विजर्स Wesley Wissers is totally the definition of classic physique and there is only so much he can do. This is peak Wesley Wissers. I mean, जिस तरह की improvements इन्होंने इस पूरे साल में करी है ना last year के मिस्टर ओलम्पिक से लेके अब तक की they are just mind blowing. And आपने देखा था आनो क्लासिक के स्टेज पर ही ये सबको ड्राफ कर रहे थे He was so much bigger. तो अब इस बड़े हुए वेट के साथ इस बड़ी हुई मसल मास के साथ कितने ज्यादा बिगर साइड पे लगे आई थिंक ये सीबम से भी बिगर लगने वाले हैं एंड जिस तरह की सेपरेशन के लेग्स में शो कर रही है ना आज मैं डेल्ट की बात नहीं करूंगा भाई क्योंकि हमेशा हम इनके डेल्ट की आम सी सेपरेशन की बात करते हैं वो आज नहीं करेंगे आज हम बात करेंगे लेग्स की सेपरेशन की और सेपरेशन देखो किस तरह के थ्री डी मसल्स लग रहे हैं इनके बिल्कुल मतलब ऐसे डीप कट्स आ रहे हैं ऐसे लग रहे मसल्स ना आपने रेजर से कट करे हो दिस इज टोटली सिक गाइस मतलब आप रमॉन के फैन बॉय हो सकते हो नथिंग रॉन्ग विद दैट रमॉन एक्चुअली डिजर्व्स ऑल दिस फैन फॉलोइंग बट

और ज्यादा डीप वर्ड्स को और ज्यादा डीप करने के लिए इनके पास काफी अच्छा टाइम है एंड जो भी कॉमेंट सेक्शन में बोलते हैं ना कि मार्क माई वर्ड्स मार्क माई वर्ड्स आज मार्क माई वर्ड्स का इस साल टॉप टू में वेजलीजर्स आई एम रियली ऑफ बट जो मुझे दिख रहा है उसके बेस पे आई रियली एम सीइंग मेरी ओपिनियन ये है कि वेजली विजर्स टॉप टू में यानी फाइनल कॉल आउट में क्रिज बॉम्सर के साथ कंपीट करते हुए दिखेंगे एंड दैट इज द बॉटम लाइन एनी आप बताओ वेजली की फिजिक आपको कैसी लगी स्पेशली इनकी मसल सेपरेशन आपको कैसी लगी कॉर्ड्स के अंदर दैट इज जस्ट नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है एंड्रू जैक की एंड एंड्रू जैक इज ऑल्सो कमिंग फॉर इट ऑल आई मीन किसके बारे में ये बात नहीं बोलू मैं इस बार एवरी वन इज क्रेजी इंप्रूव जिसकी अपडेट देखो वो ही भयंकर लग रहा है आई I मीन mean, यहाँ पर मैंने ये अपडेट देखी जो एंड्रू जैक के चैनल पर लेटेस्ट अपडेट करी गई है जहाँ पर यह बैक ट्रेन करते हुए दिखाई दिए विद साइको लुइस यस गाइस साइको लुइस खुद इनको ट्रेन करते हुए दिखाई दे यहाँ पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड एंड्रू गाइस एंड्रू लुक्स सो ह्यूज वेल डिफाइंड एंड पूरी तरह से फुलर साइड पे लग रहा है इस वक्त तो लाइक इट वॉज क्रेजी रिमेंबर लास्ट टू लास्ट ईयर जब एंड्रू जैक ने सबको ड्रॉप कर दिया था गेस्ट पोजिंग के टाइम पे याद होगा ना आपको और उस टाइम पे इनका फ्रेम कितना ज़्यादा खाली था अगर इनकी ही फिजीक से कंपेयर करें तो इनको बहुत ज़्यादा आउट करने की जरूरत थी तो इस बार इमेजिन करो कितने ज़्यादा बिगर लगने वाले ही है मतलब वहीं पे सब छोटे लग रहे थे साइज में इनसे इस बार तो कितनी ज्यादा और मसल मास कितनी ज़्यादा और थिकनेस ऐड कर दी गई है इस फ्रेम पर एंड उसके दो साल बाद गाइज एंड्रू ने बहुत ज़्यादा सीरियस मसल मास फ्रेम पर ऐड कर ली ही इज लुकिंग जाइगेंटिक एंड इफ दैट एंड्रू वॉज शोइंग एवरी स्मॉलर देन इमेजिन वॉट दिस एंड्रू इज केपेबल ऑफ इनको गाइज यही एक गिफ्ट है कि तीन सौ के होते हुए भी ये पूरी तरह से श्रेडी डाल सकते हैं और इनके ऐप्स इस तरह से ही छपे हुए दिखेंगे जिस तरह का साइज जिस तरह की विथ और जो राउंडनेस इनके मसल्स में शोल्डर्स में दिखाई दे रही है ना दैट इज़ नट्स एंड साइकोलूस यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली ट्रेन कर रहे थे मतलब कोई भी फन एंड गेम्स नहीं चल रहे थे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ट्रेन करते हुए आई थिंक यही रिक्वायर्ड भी एंड्रू के साथ में एंड्रू इज़ ऑल्सो वेरी फोकस्ड एथलीट वो भी बिल्कुल मजाक उजाक के मूड में नहीं होते ही जस्ट वर्क्स वर्क्स एंड वर्क्स एंड साइको ने इस बारे में बोला भी कि दिस इज सीरियस रियली really सीरियस एंड यस गाइज हम कोई भी एंड्रू जैट के अभी तक फिजिक अपडेट नहीं देख रहे हैं टैक्स प्रो के बाद ये कैसे लग रहे हैं क्या चेंजेस करे गए हैं किस तरह से इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं कुछ नहीं दिख रहा बट टैसेस प्रो का पैकेज सीरियसली एक क्रेजी स्टेटमेंट बनाने के लिए काफी था गाइज वहां पर

एंड ये भी तक बोला कि अगर थोड़ी सी भी इनकी कंडीशन 10 से 20 परसेंट भी इंक्रीज हो गई ना मिस्ट्रो ओलंपिया में ही इज गोइंग टू बी एज ड्रायर एज ही वाज़ इन फाइनल्स तो ये एक स्ट्रांग कंटेंडर बन जाएंगे मिस्ट्रो ओलंपिया के टाइटल के लिए बट दैन अगेन गाइस, इस साल कौन कंटेंडर नहीं है क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है एंड डैट इज़ वाई गाइज ये पेपर व्यू बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाती है देखो पेपर व्यू का प्राइस भी इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है आई रियली बिलीव सेवेंटी फाइव डॉलर इस साल हो गया है लास्ट ईयर आई थिंक सिक्सटी एट डॉलर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट एनीस जो भी है guys, ये एक्चुअल ना पेपर यू वर्थ प्राइस मनी के इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ एंड गोइंग टू बी टोटली वर्थ इट क्योंकि एंड्रू इज टोटली टोटली ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी के हेड के साइज के हों ट्राइसेप्स आर हैंगिंग लाइक क्रेजी आई जस्ट विश इन्होंने हैंडस्ट्रिंग पर भी ऐसी मसल मास ऐड कर ली होती है इंप्रूवमेंट से हैमस्ट्रिंग पर लेकिन ऐसे हैंग करती हुई हैमस्ट्रिंग जैसे हमें सैमसंग डाटा वगैरह की दिखती है वैसे नहीं दिख रही इनकी अभी तक लुइस इज पुशिंग हिम लाइक क्रेजी। वहां पर दूसरी तरफ देखो तो वो भी इनको दूसरे तरीके से पुश कर दूंगे डाइट के मामले में बिकॉज वो भी कार्ब्स बहुत ज्यादा कम करवा देते हैं शो से कुछ टाइम पहले ही सो दिस इज नो फन काचे जो एक मिशन के साथ ट्रेन करते हैं लाइक हैनी रेमबोर्ड एन ऑल ये मजाक वजाक भी करते हैं थोड़ा लाइट भी बनाते हैं सेशन को लेकिन भाई साइकिल नहीं ये तो बिल्कुल सीरियस रहते हैं. ऐसा लगता है कि मैथ के टीचर हों आपके एनी वेज यहां पर ये लोग बैक को ट्रेन कर रहे थे ब्रिंगिंग दैट मोर थ्रीडीनेस ऑन बैक एंड आई गॉट द फीलिंग रियली मुझे ये लग रहा है कि इस बार भी टाइटल हम चेंज करते हुए देखेंगे हैंड्स यस टाइटल किसी और के पास जाएगा बस क्वेश्चन यही बनता है कि वो कोई और कौन होगा एनी आप बताओ यहाँ पर एंड्रू की अपडेट आपको कैसे लगी बाकी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे जो कि है माइकल डबूल की एंड अपेरेंटली एक और प्रोशर था इसी वीकेंड यस yes, गाइज जो रैपअप हो चुका है अभी मॉर्निंग में ही एंड वहाँ पर क्लासिक डिवीजन का कॉम्पिटिशन भी चल रहा था एंड वो लोग लो दे रहे थे एक टिकट क्वालिफाई करने का दो हजार पच्चीस के मिस्टोलम एंड सीम्स लाइक माइकल डबूल अभी से अपना सीजन स्टार्ट कर चुके हैं बहुत जल्दी उनका स्टार्ट हो गया सीजन यस yes, गाइज इस वक्त वो वर्क कर रहे हैं अहमद अष्टनानी के साथ क्योंकि किसी ने उनसे बोला भी था कि यहाँ पर इतने श्रेडिड जो आए हो आप पिटौर कभी मिस नहीं कर रहे तो उन्होंने वहाँ पर क्लियर करा कि भाई पिटौर के साथ नहीं बल्कि बल्कि अहमद अष्टनानी के साथ आई एम वर्किंग राइट नाउ बाकी माइकल डबूल ने इस शो को भी जीत लिया है डिड बी अवर डाउट जैसे ही माइकल डबूल स्टेज पर आए हमें तभी पता लग गया था कि यहाँ पर कोई और क्वेश्चन नहीं बनता किसी और के जीतने का देखो पहले जब ये अपडेट शेयर कर रहे थे वहाँ पे ये लिख रहे थे थ्री डेज आउट फोर डेज आउट बट इन्होंने मेंशन नहीं करा था कि आई एम गोइंग टू कम्पीट और इस टाइम पर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि ही इज गोइंग टू कम्पीट तो हमें लगा गैसपोजिंग है लेकिन भाई यहाँ पर तो ये कम्पीट करने उतर गए एंड ही कम्पीटेड इन्हें सिग्नेचर श्रेड्स के साथ गाइस ही प्रूव अगेन वाई ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ श्रेड्स यहाँ पर इनका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था आई मीन यस फाइनल कॉल आउट में जो एथलीट था बहुत ज्यादा टॉलर साइड पर थे फ्रेम भी ज़्यादा क्लासिक था उनका माइकल डबूल से लेकिन गाइस जिस तरह के श्रेड्स जिस तरह की कंडीशन जिस तरह के फाइबर्स माइकल प्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर मैन ही वॉज नॉट इवन क्लोज दैट वॉज टोटली अनरियल पैक में देख लो क्लूड्स में देख लो एवरी थिंग वॉज फाइबर डप मतलब फाइड अप नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फाइबर डप अब देखो ये मिस्टर ओलंपिक के लिए रेडी हो रहे हैं इन्होंने सोचा होगा कि भाई मैं तैयार तो हूँ ऑलरेडी इतना श्रेडिड हूँ कि मैं जाके कहीं पे भी जीत सकता हूँ तो क्यों ना अभी से मैं 2025 के लिए क्वालिफिकेशन ले लूँ और साथ में एक चेक भी अपने नाम कर लूँ कमाई भी हो जाएगी और इन्होंने इसीलिए लिए कंपीट करा और भाई यहाँ जीत गए और यही नहीं इन्होंने ये तक अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट वीक ऑल्सो आई एम गोइंग टू कम्पीट यस गाइज नेक्स्ट वीक है लीजन स्पोर्ट्स बेस्ट और वहाँ पर भी क्लासिक डिवीजन की क्वालिफिकेशन ये खा लेंगे दूसरे बंदे की मतलब यही जीतने वाले हैं वहाँ पे ये कंपीट करेंगे तो अनलेस एंड अनटिल कोई और टॉप फाइव प्लेसर वहाँ पे कंपीट कर जाए बट ऐसा होने के चांसेस बहुत ही रेयर लग रहे हैं क्योंकि हमेशा परफेक्टली पीक आना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता हर किसी की फिजिक डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है यहाँ पे माइकल डबूल के जेनेटिक्स इतने स्ट्रॉग है गाइस कि इनको हर वीक पीक करवा लो आप हमेशा इस तरह से ही पीक हिट करते हैं अब बेचारे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी और इस शो में हम कंपीट करके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ा लेंगे बिकॉज मिस्टो इन पैसे पहले कोई कम्पीट नहीं कर रहा अब उनको क्या पता था यहाँ पे माइकल कंपीट करने वाले हैं लाइनअप इतना डेंस ना होते हुए भी सिर्फ माइकल के आते ही चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो जानी है और उनको अभी से यहीं से ही गाइस एक टेस्ट तो मिल ही गया होगा कि क्लासिक डिवीजन का कंपटीशन किस लेवल का होता है और यहाँ पर आपको दो तीन वीक पहले ही ऐसा रेडी होना होता है कि आप कोई भी प्रोशो जाकर जीत लो सो माइकल इज गोइंग फॉर लीजन स्पोर्ट्स फर्स्ट टू एंड माइकल वॉन्ट टाइटन ग्रैंड पिक्स एंड जिस तरह की फिजिक ये लाए जस्ट डैम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की जो कि जॉन की एंड जॉन जूह थ्री वीक्स आउट अपनी अपडेट शेयर करते हैं एंड दिस गाय ट्रस्ट मी मिगज ये बहुत सारे लोगों को सेकेंड थर्ड कॉल आउट में पुश करने वाले हैं क्योंकि जिस तरह की कंडीशनिंग ये प्रेजेंट कर रहे हैं इट इज़ इनसेन आई मीन ही इज नॉट गोइंग टू बी कैरिंग मोस्ट अमाउंट ऑफ मसल ये वहाँ पर स्टेज पर सबसे ज़्यादा बिगर साइड पर नहीं होंगे बट डेंस बहुत ज़्यादा होंगे ये क्वालिटी मसल हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द फिजिक एक साल में गए इनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा इंसेन रही है इन दिस अपडेट आप देख सकते हो ये वर्कआउट के बाद की है इन्हें काफी अच्छी लाइटिंग में इन्होंने ये अपडेट पोस्ट करी है इन्होंने यहाँ पर खुद ही बताया कैप्शन के अंदर बट जिस तरह की ड्राइनेस ये शो कर रहे हैं गाइस इवन आफ्टर द पंप इनकी फिजिक देखो कितनी ज्यादा फ्लैट साइड पर कितनी ज्यादा ड्रायर साइड पर लग रही है वेट यहाँ पर इनका दो सौ पैंतीस और पोजिंग पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर दिया इस वीक में मतलब फास्ट हीट सेट में चार राउंड्स ये कर रहे हैं पोजिंग के डेली बेसिस पर एंड ये जानते हैं गाइस ये इनका साइज नहीं है जो इनको एक एक्सपेक्टर एक देगा इनकी कंडीशन के साथ इनको पील आना है और साथ में एक बहुत अच्छे से पोज करना है बिकॉज इस चीज़ को काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं और यहीं पर ही अपनी जगह बना सकते हैं बिकॉज साइज अभी इतना कंपेटेटिव नहीं है इनका नो वन इज गोइंग टू बी हिटिंग ऑल एरियाज एज परफेक्टली का स्पेशली पोजिंग का एरिया जहां पर आप जानते हो कई बार आर्नोल्ड ने भी इस बारे में बोला है जे कटलर ने भी इस बारे में बोला है और कई सारे लेजेंड्स और भी बोल चुके हैं इस बारे में लेकिन पोजिंग को अभी तक इतनी ज़्यादा सीरियसली कोई नहीं लेता गाइस और सच में एक एप्सोलूटली परफेक्ट प्रेजेंटेशन इन आपकी पोजिंग रूटीन सच में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है आपके लिए बाकी इसके बाद बात करते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट में जॉन डेलेरोजा की एंड जॉन डेलेरोजा थ्री वीक्स आउट अपनी अपडेट शेयर करते हुए बताते हैं इन्होंने क्या कर लिया है मैन क्योंकि अपनी फिजीक पे इतना ज़्यादा मसल मास इन्होंने ऐड कर लिया अपनी क्वालिफिकेशन पाने के बाद और इनको फीडबैक भी यही मिला था जिस पर इन्होंने वर्क करा एडिट सिग्निफिकेंट मसल मास एंड लुकिंग रियली ह्यूज काज काफी ज़्यादा थिक साइड पे लग रहे हैं एंड इवन दो अपनी फिजिक काफी ड्राई साइड पे शो कर रहे हैं उसके बाद भी गाइस सेपरेशन उस लेवल की नहीं लग रही इनकी फिजिक में अभी यस yes, ये पील्ड है इस बारे में कोई डाउट नहीं डोंट गेट मी रॉन्ग ऑन दैट ही इज एब्सोलूटली पील्ड क्योंकि इनकी मसल हार्डनेस देखो आप किस लेवल की आ रही है बट आई थिंक इनके जेनेटिक्स ऐसे हैं कि इनकी सेपरेशन इस तरह की शो नहीं करे अब मुझे नहीं पता लास्ट शो में इनकी सेपरेशन कैसी थी लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्स में और साथ में इनके आर्म में भी उस लेवल की सेपरेशन नहीं आ रही कुछ एथलीट्स के साथ होता है कि वो पील्ड होने में भी ऐसी सेपरेशन शो नहीं कर पाते सो मे बी हिज आर्म्स ऑल्सो डो नॉट शो दीज लाइन्स बट ही हीस फायर फॉर हिज डेब्यू ये इनका डेब्यू ईयर है अब देखते हैं ये कहां पर प्लेस करते हैं वगैरह में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंसिस हैं कुछ पोजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट कुछ पोजे हैं जहां पर ये काफी लैक करते हुए दिखाई

क्लासिक डिवीजन के लिए क्वालिफाइड हैं कोरिया प्रो शो इन्होंने जीता था जहां से क्वालिफिकेशन हासिल करी थी एनीवेज दिस अपडेट्स आर रियली शोइंग किस तरह की कंडीशन ये कैरी कर रहे हैं कितने ज्यादा पील ये हैं ग्रेट सेपरेशन अपने मसल्स में शो कर रहे हैं स्पेशली गाइस इनकी कॉर्ड्स देखो आप हमेशा की तरह एशियन बॉडी बिल्डर्स की जो कॉर्ड्स होती हैं उन्हीं को रिफ्लेक्ट कर रही हैं रियली रियली मैसिव ये चीज़ हमने देखी थी ब्रांच चैन के केस में भी साथ में जेहन के केस में भी हम ये चीज देख चुके हैं वेस्ट हाँ थोड़ी सी वाइडर साइड पर लगी थी इनकी पोजिंग के टाइम पर यहाँ पर ऐसी नहीं लग रही तो आई थिंक अच्छी बात है अगर नहीं लग रही इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं इस तरह से इल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो बाकी फ्रेम पर आई डोंट नो गाइस अगर ये वेट कैप आपके करीब है या फिर हिट कर चुके हैं क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है काफी ज्यादा और मसल मास्क ऐड कर सकते हैं इस फ्रेम पर चेस्ट काफी फ्लैट साइड पे लग रहा है बैक आई डोंट नो हाउ मच इज़ मोर इम्प्रूवड क्योंकि बैक की अपडेट नहीं है हाँ चेस्ट के फ्लैट होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डिप्लीटेड साइड पे है बट साइड लेग गाइज साइड लेग क्रेजी पील होने के बाद भी स्ट्राइश एंड स्ट्रो करने के बाद भी मुझे उतनी ज़्यादा मास कैरी करते हुए नहीं लग रहा है इनकी हेडस्ट्रिंग में आई थिंक यसल मास्क और ज़्यादा एड कर सकते हैं एनी वीज इनका डेब्यू है तो डेब्यू के आई थिंक हिसाब से इनकी फिजीक काफ़ी अच्छी है इनको एक्चुअल में पता लग जाएगा वेयर ही एक्चुअली स्टैंड बाकी आप बताओ आपको इनकी फिजीक अपडेट कैसे लगी मुझे ठीक लग रही है मतलब टॉप टेन वाली फिजीक तो नहीं है ये स्पेशली जिस तरह का लाइनअप इस बार है मतलब प्रेडिक्शन जब मैं बनाऊंगा ना तो मुझे पता लगने वाला है कितनी ज़्यादा मुश्किल आएगी उस टाइम पर एंड आई रियली होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसको कवर करते हो आप मुझे देखना चाहते हो साथ में कई मैंने आपसे बोला था कि किस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर करो इंडियन बॉडी बिल्डर्स की अपडेट्स भी जो आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो उनको भी मैं कभी कभी कवर कर लूँगा जैसे ही टाइम मिलेगा प्लस प्रडिक्शन वीडियो आपने काफ़ी लंबे टाइम से मुझसे बोल रखा है जैसे ही मुझे टाइम मिलता है क्योंकि देखो ऐसे ही उसे बनाने बैठता हूँ ना बहुत सारी अपडेट्स मुझे नई मिल जाती हैं वो कवर करना भी जरूरी है और ये दो वीडियो ऐसे होंगे कि एक दिन में नहीं बन सकते दोनों ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा बहुत टाइम लगेगा इनको बनाने में इसलिए अभी टाइम लगेगा बट एनी जल्दी ही करता हूँ इस काम को भी मैं बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय